फ्रेंड्स, ये हमारे पास सैमसंग का A32 और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कैसे आप इस फोन में अपनी लॉक स्क्रीन मैगजीन को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर फोन में आपके जो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर होते हैं वो आपको चेंज होकर देखने को नहीं मिल रहे हैं और फ्रेंड आपको अच्छा लगता है कि आपके फोन में हर बार नेक्स्ट तरीके से नया वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाता है, आपको ये फीचर अच्छा लगता है, तो आपको किस तरीके से इस फोन में सेट करना है, आपको इस फोन में ये फीचर देखने को मिलता भी है या नहीं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में और उसकी सेटिंग बताने वाले हैं कैसे आपको ये फीचर चालू करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन की स्क्रीन पे टू फिंगर से कुछ इस तरीके से पिंच इन करना है। जब पिंच इन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे कुछ ऑप्शन, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वॉलपेपर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वॉलपेपर सर्विस, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर लीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, थर्ड है नीचे नन का और दो ऑप्शन और भी देखने को मिलते हैं जो कि है डायनेमिक लॉक स्क्रीन। तो सिंपल आपको यहाँ पे सेटिंग का आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी देखने को मिलती है कि आपको किस किस टाइप के यहाँ पे वॉलपेपर अपनी स्क्रीन पे सेट करना है, तो वो वाले वॉलपेपर आपको डाउनलोड करने हैं। तो जैसे कि आपको डॉग्स, कैट्स, एनिमल्स वगैरह, आर्ट, फूड्स वगैरह, जिस जिस टाइप के आपको यहाँ पे वॉलपेपर चाहिए अपनी लॉक स्क्रीन पे, उनको इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे सेटिंग में जाने का मतलब आपको नेट कनेक्शन यहाँ पे ओपन करना होगा। मेरे इस समय मेरे फ़ोन में कोई भी सिम कार्ड या फिर कोई भी वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है फ़ोन, तो आपको क्या करना है, नेट कनेक्शन ओपन करने के बाद इन सारे फोटो, मतलब जिस जिस टाइप का आपको फोटो चाहिए उस पर सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको नीचे दिखेंगे कुछ ऑप्शन, ये वाले फीचर आपको ओपन कर देने हैं, क्योंकि फ्रेंड आप ये ओपन रहने देंगे तो आपके फ़ोन में जब भी नेट कनेक्शन ओपन होगा तो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली भी वॉलपेपर डाउनलोड हो जाएंगे। फिर आपको जो कि नए वॉलपेपर होंगे, नए नए तरीके के वॉलपेपर आने होंगे आपकी होम स्क्रीन पर, मतलब सेम टाइम के आपके वॉलपेपर आते हैं, तो आपके ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएंगे और नए नए तरीके के आपको देखने को मिलेंगे ये वॉलपेपर्स। अब इसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है सैमसंग ग्लोबल गोल्स, आपको इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ रील्स देखने को मिलेंगी जो कि छोटे छोटे कुछ स्टेप होंगे, कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस आपको शो कराई जाएंगी सैमसंग की तरफ से, मतलब आपको सैमसंग की तरफ से यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी अगर आप ये वाला फीचर ओपन करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको वॉलपेपर ही लगाने हैं तो आपको यहाँ डायनेमिक लॉक स्क्रीन पर सेलेक्ट करना है, देन अप्लाई करके यहाँ पे अपने फोटो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। तो आप अपने यहाँ से अपने हिसाब से यहाँ पे अपनी स्क्रीन को मैनेज कर सकते हैं लॉक स्क्रीन के लिए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कैसे आप सैमसंग A32 में अपनी लॉक स्क्रीन मैगजीन लगा सकते हैं, कैसे उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।